हाय गाइस, मैं हूँ मेघा एंड वेलकम टू माय चैनल पोकी मेक्स हिंदी, जहाँ हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड मॉमी टॉक्स। सो गाइस, आज का जो वीडियो है इट इज़ ऑल अबाउट क्वाड सेट्स। जैसे कि मैंने फैशन ट्रेंड्स वीडियो में बात की थी, क्वाड सेट्स जो होते हैं, जो कि ऊपर और नीचे के मैचिंग सेट्स होते हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनको आप डिफरेंट टाइप से स्टाइल कर सकते हैं। इंडियन क्वाड सेट्स भी होते हैं, वेस्टर्न क्वाड सेट्स भी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस किस टाइप के क्वाड सेट्स आते हैं मार्केट में एंड जो है कैसे उनको स्टाइल करें। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। सो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ऐसी और फैशन टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए और मेरी पर्सनल अपडेट्स, फैशन रील्स, पोस्ट्स एंड एवरीथिंग। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वर्की मेक्स टू, फॉलो मी देयर। सो चलिए गाइज, अब लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, क्वाड सेट्स जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले टाइप के जो क्वाड सेट्स होते हैं वो होते हैं काफ्तान टॉप एंड बॉटम। ये जो है बेसिकली इंडियन वेयर में बहुत आते हैं, आपको इंडियन प्रिंट्स में बहुत मिल जाएंगे एंड आपको देखने में मिलेगा कि ये बहुत सारे जो है वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, इवन लोकल मार्केट्स में भी अवेलेबल हैं। सो ऊपर का होता है काफ्तान टॉप होता है, नीचे का पैंट्स होता है एंड आई वुड प्रेफर कि आप जो है ऐसे क्वाड सेट्स लें जो अच्छी क्वालिटी के कॉटन के हों, क्योंकि अगर जो है अच्छी क्वालिटी के कॉटन के नहीं होंगे एंड स्पेशली जो बॉटम है उसमें डबल लेयर हो तो वो जो पैंट है उसका स्टिफनेस अच्छे से आता है। अदरवाइज जो है ये नाइट सूट की तरह लग सकता है अगर बहुत ही जल्दी मुशी मुशी टाइप का हो गया। सो नंबर वन टाइप ऑफ क्वाड सेट्स जो होते हैं दैट इज़ काफ्तान टॉप एंड पैंट सेट। सेकेंड टाइप के जो आते हैं दैट इज़ शर्ट एंड पैंट सेट। जैसे कि मैंने आपको अपने समर लुकबुक वीडियो में दिखाया था, वो मुगल बूटी प्रिंट वाला जो है एथनिक सेट दिखाया था मैंने आपको, वो जो है शर्ट था, नीचे पैंट था। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बहुत सारे वेज में आप स्टाइल कर सकते हैं। जैसे शर्ट है उसको आप खोल के अंदर से एक क्रॉप टॉप पहन सकते हैं तो ये एक अलग टाइप का लुक आता है, या फिर आप अंदर से एक कंट्रास्टिंग टी शर्ट पहन सकते हैं स्लीवलेस और ऊपर से खुले में शर्ट ले लीजिए और नीचे पैंट्स पहनिए तो ये भी जो लुक है काफ़ी अच्छा जो है लगता है। और ये जो शर्ट एंड से इसको आप अलग अलग भी जो है स्टाइल कर सकते हैं डिफरेंट पीसेस के साथ। सो इसीलिए मुझे जो है शर्ट एंड पैंट सेट्स बेस्ट लगते हैं एंड आई थिंक दे कैन बी स्टाइल इन नंबर ऑफ वेज। और मैं तो हमेशा अप रहती हूँ ऐसे यू नो क्लोथिंग पीसेस के लिए जो मैं हज़ार बार जो है डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकूँ। सो आप भी मुझसे अग्री करेंगे, राइट? वी ऑल लव दोज पीसेज जो बहुत ज़्यादा वर्सटाइल होते हैं, जिसको हम बहुत सारे वेज में स्टाइल कर सकते हैं। सो लेट मी नो अगर आप एक वीडियो देखना चाहेंगे तो मैं या तो रील या शॉर्ट बना लूँगी या फिर एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो कि कैसे आप एक शर्ट एंड पैंट स्टाइल वाले जो क्वाड सेट्स हैं उनको डिफरेंट वेज में आप स्टाइल कर सकते हैं। और ये जो है आपको इंडियन वेयर में भी मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने बूटी प्रिंट पहना था, जैसे मैंने ये पहना हुआ है दैट इज़ ऑल्सो अ शर्ट एंड अ बॉटम सेट। ये मैंने पहना था जब मेरी बेबी का फर्स्ट प्ले स्कूल परफॉर्मेंस था, तो मुझे उसमें पहना था कि समथिंग विच लुक्स डीसेंट बट एज वेल एज स्टाइलिश, तो मैंने ये पहना था एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स व्हेन आई वोर दिस। तो इस तरह के आप सेट्स पहन सकते हैं। वेस्टर्न वेयर में भी शर्ट एंड पैंट सेट आते हैं, जैसे H&M के मैंने लिए हैं एंड दोज आर रियली गुड। स्पेशली समर सीजन में इस तरह के कॉटन क्वाड सेट्स आप ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, एयरी होते हैं एज वेल एज स्टाइलिश लगते हैं। तीसरे टाइप के क्वाड सेट्स जो आते हैं मार्केट में दे आर पेपलम टॉप एंड बॉटम सेट। जैसे कि मैंने ये डेनिम पेपलम टॉप एंड वाइड लेगेड बॉटम जो है वो वाला ट्रेंड चल रहा है आजकल, तो नीचे के चौड़े बेल बॉटम टाइप के बॉटम्स आते हैं, या फिर जो ये ब्लू कलर का इंडियन सेट है मेरे पास, ये भी एक क्वाड सेट है एंड इट लुक्स रियली स्टाइलिश। तो इस तरह के भी आजकल बहुत चल रहे हैं जिसमें चौड़े बॉटम्स हैं और ऊपर पेपलम टॉप है, सेम उसमें जो है सेम प्रिंट एंड फैब्रिक एंड कलर्स में होता है। तो इस तरह के क्वाड सेट्स भी आ रहे हैं एंड दे ऑल्सो लुक रियली नाइस। अब आप पूछेंगे कि कहाँ से लें, तो मैं वही कह रही हूँ कि मैंने बहुत सारी जगह ट्राई किए हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जो अफोर्डेबल वंस हैं जो मैंने ट्राई किए देवर नॉट गुड क्वालिटी, तो ऐसा कपड़ा पहन के मुझे ऐसा लगा कि फ़ायदा नहीं है, जो बहुत लॉन्ग ना चले, जिसका यू नो फैब्रिक बहुत जल्दी ऐसा मुचुड़ सा जाए और जो अच्छा लुक ना दे, स्मार्ट लुक ना दे। तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं ट्राई किए हैं, मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी सम ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स जिनकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। जैसे मैंने ये जो पहना हुआ है दिस इज़ फ्रॉम दिस इंडियन होम ग्रोन ब्रांड प्रिया केसवानी लेबल। आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगेगा एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड दीज आर प्योर कॉटन सेट्स। तो मुझे ऐसे ब्रांड्स की हमेशा तलाश रहती है जो अच्छे क्वालिटी के कपड़े बनाते हैं। और आई अग्री कि हमेशा जो है महंगे कपड़े लेना पॉसिबल नहीं होता, आई टोटली अंडरस्टैंड एंड टोटली यू नो इन फेवर ऑफ दैट। तो ये थोड़ा सा एक फाइट होता है कि ऐसा कौन सा पीस ढूंढ के लाऊं मैं
जो अफोर्डेबल भी हो बट एट द सेम टाइम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी अफोर्डेबल रेंज में ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं दिखा है जो बहुत अच्छी क्वालिटी के कोर सेट्स बनाए। तो थोड़ा सा होम ग्रोन ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छे कॉटन सेट्स बनाते हैं, बट थोड़ा सा उनका रेंज थोड़ा सा ज़्यादा है। मैंने मीशो से भी ट्राई की, अमेजोन से भी ट्राई की, बट मुझे उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट। फ्लिपकार्ट से भी ट्राई किए एंड दे आर ट्रेंडिंग ऑन इंटरनेट राइट नाउ, बट ट्रस्ट मी मैंने ट्राई किए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ओके, नेक्स्ट टाइप के जो कॉर्सेट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है राइट नाउ, दैट इज़ शॉर्ट जो है क्रॉप टॉप एंड पैंट्स। तो पैंट्स में स्ट्रेट पैंट्स, वाइड लेगेड पैंट्स, इस तरह के जो कॉर्सेट्स हैं वो भी आजकल चल रहे हैं। सो आई वुड पुट अप सम पिक्चर्स, आपको आइडिया लग जाए। जैसे टाई शर्ट विद सेम कलर का जो है बॉटम, वो भी बहुत चल रहा है। टॉप को क्रॉप टॉप विद स्ट्रेट पैंट्स, वो भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इस तरह के कोर सेट्स भी चल रहे हैं। ये वाले सेट्स आपको वेस्टर्न वेयर में मिल जाएंगे ऑन मिंत्रा, मैंने देखे थे काफ़ी सारे ब्रांड्स में थे, सो यू कैन चेक दोज आउट। वेस्टर्न वेयर में मिलना थोड़ा सा ईजी है, इंडियन वेयर प्रिंट्स वाले कोर सेट्स अच्छे क्वालिटी के मिलना मुझे बहुत डिफिकल्ट था। मुझे यू नो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन जो हैं अफोर्डेबल रेंज में नहीं अवेलेबल है, बट वेस्टर्न वेयर में डेफिनेटली है। नेक्स्ट टाइप के कोर सेट्स जो हैं अवेलेबल मार्केट में, दे आर मैचिंग शॉर्ट्स एंड शर्ट। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, शर्ट के अंदर एक क्रॉप टॉप पहन सकते हैं, नॉर्मल टॉप पहन सकते हैं एंड विद शॉर्ट्स। ये वाला स्टाइल आप कर सकते हैं व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अ बीच एरिया, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं ऑन अ समर डे आउट, यू आर कंफर्टेबल वेयरिंग शॉर्ट्स। तो इस तरह के शर्ट एंड शॉर्ट्स मैचिंग सेट्स भी अवेलेबल हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन ऑन H&M, आपको मिंत्रा पे भी मिल जाएंगे, ऑन फ्लिपकार्ट भी मिल जाएंगे, एंड ये वाले आपको अमेजोन पे भी मिल जाएंगे, आई हैव सीन दोज, मीशो पे भी मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक दोज आउट। शॉर्ट्स एंड शर्ट्स सेट तो हैं वेस्टर्न वाले अवेलेबल ऑनलाइन, सो यू कैन चेक दोज आउट। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ कॉर्सेट्स जो आपको मिलेंगे इन द मार्केट, दे आर स्ट्रेट कुर्ता, स्ट्रेट जो मिड थाई लेवल कुर्ता होता है, मिड थाई लेंथ कुर्ता एंड पैंट्स। ये वाला जो इंडियन प्रिंट के आपको मिड थाई लेंथ कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती विद पैंट सेट आपको मिल जाएंगे कॉर्ड सेट्स में। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप इसको ठीक से स्टाइल ना करें ना, तो ये तो स्मार्ट नहीं लगते। तो मेरा एक टिप है कि ऐसे वाले कॉर्ड सेट्स के लिए आप बीच में एक बेल्ट पहन लीजिए, बेल्ट पहन के इनका लुक बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है, ट्रस्ट मी। तो आप इस तरह का यू नो बेल्ट ऐड कर सकते हैं विद नाइस कुर्ता एंड पैंट सेट, तो वो बहुत अच्छा लुक देता है कॉर्ड सेट में। सो ये एक स्टाइल टिप है मेरी तरफ से कि इस तरह के सिंपल कुर्ती पैंट्स पे, जिसमें बटन खोलने वाला शर्ट स्टाइल भी नहीं है, नेक पे भी कोई स्टाइल नहीं है, सिंपल कुर्ती है और पैंट्स है प्रिंटेड इंडियन प्रिंट वाले, तो उस पर आप एक बेल्ट ऐड कर लीजिए, तो इट विल गिव यू अ वेरी स्टाइलिश लुक। सो गाइज, ये थे आई थिंक 7-8 टाइप्स के कोट सेट्स जो हैं अवेलेबल मार्केट में, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है एंड इनको कैसे स्टाइल करें आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो ये था आज का वीडियो एंटायरली ऑन कोट सेट्स, एंड मेरा एक सजेशन है स्पेशली फॉर द इंडियन कोट सेट्स, जो बॉटम ले उसमें अंदर लाइनिंग हो, क्योंकि अगर लाइनिंग होती है तो उसका स्ट्रेट फिट लुक बहुत अच्छा आता है, अदरवाइज वो घुटनों से निकल जाता है और फिर उसका लुक स्मार्ट नहीं आता एक दो वॉश के बाद। तो ऐसे वाले ढूंढें, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको नहीं मिले ना, तो आप बॉटम में अलग से लाइनिंग लगवा लें, तो उसको एक्स्ट्रा जो है स्ट्रेंथ मिल जाएगी और वो अच्छे से स्ट्रेट रहेंगे। सो दैट इज अ टिप फ्रॉम माय साइड एज पर माय एक्सपीरियंस। सो गाइस, ये था आज का फैशन बेसिक्स वीडियो। लेट मी नो और कौन से फैशन बेसिक्स वीडियो आप देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की मुझे बहुत डिमांड आई थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो लेट मी नो अब आप और क्या देखना चाहेंगे मेरे चैनल पे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सो डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू पोकी मेक्स हिंदी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल द क्विक फैशन टिप्स, ट्रिक्स एंड एवरीथिंग। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पोकी मेक्स, एंड YT यूट्यूब पे मैं शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ। सो पोकी मेक्स हिंदी शॉर्ट्स डालूंगी, तो मेरे जो है शॉर्ट्स आ जाएंगे, उसमें मैं कुछ पर्सनल, कुछ फैशनेबल, कुछ एवरीडे लुक, कुछ OOTD डाल रही हूँ, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज, बस ये था आज का वीडियो, मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।